मध्य प्रदेश भवन अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल कार्यालय के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त हेमंत तिवारी मंगलवार को खरगोन पहुंचे और अधिकारियों से मुलाकात करके जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। बताया जा रहा है कि प्रवासी दौरे पर पहुंचे हेमंत तिवारी अब तक खरगोन सहित 38 जिलों का फीडबैक जानने पहुंच चुके हैं। उनका मानना है कि कर्मकार मंडल की सारी योजनाओं के अलावा संबल, आयुष्मान, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में वो नया करने जा रहे हैं, जिससे गरीबों के अलावा जरूरतमंद परिवार के बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च शासन उठाएगी और निश्चित तौर पर समाज में जन जागृति आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। और जहाँ हमारा सिर्फ पेमेंट रिलीज होने में देर लग रही है, आपके जैसे आप भेजते हो सिर्फ एक पेमेंट आ रहे हैं। शादी का आपने कितने कौन प्रकरण भेजे थे, कितने भेजे थे, पूरा पेमेंट आ गया। और ऐसे शिकायतें नहीं है सर, हमारे यहाँ 10 ही शिकायतें के वर्ष तक सी एम हेल्पलाइन में भी शिकायतें नहीं है। सी एम हेल्पलाइन की क्या पोजिशन? टोटल 11 शिकायतें। 11 जी सर, तो भी कम सर जी। कौन सी कैटेगरी में अभी अपन कर्मकार में? तो अभी सी में है, सी में वर्ष में। इसमें संबल में दिक्कत है सर, दो तीन बार अवगत करवा चुके हैं, 4 केस है पर अभी तक श्रम विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। कागज अपन दे चुके हैं पर श्रम विभाग टालम टोल करता रहता है और न कोई को लाभ दिया जाता है। अभी आज की तारीख में सबसे कमजोर स्थिति में खरगोन जिला है, पूरे मध्य प्रदेश में 15वें नंबर पे है और सबसे ज़्यादा मजदूरी अगर वर्ग है तो खरगोन जिले में। तिवारी कहते हैं अध्यक्ष, क्या मुलाकात की आपसे, क्या आश्वासन मिला? तिवारी जी तो ये बोल रहे हैं कि सभी मजदूरों का पंजीयन होना चाहिए, एक एक व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए, रोड पे हर प्रत्येक व्यक्ति मजदूर घूमता है तो उस मजदूर का भी पंजीयन होना चाहिए। और क्या विभाग द्वारा हुए नहीं है अभी तक? विभाग द्वारा भी पंजीयन वगैरह हुए नहीं है क्या? बहुत कम, 15 मतलब पूरे मध्य प्रदेश में 15 जिलों 15वें नंबर पे नाम है, जबकि सबसे अव्वल नंबर आना चाहिए खरगोन जिले में श्रम मजदूरों के मामले में। क्या नाम है आपका? पंकज मल्तारे, भारतीय मजदूर संघ विभाग प्रमुख खरगोन बड़वानी। कि प्रदेश के अंदर जो हमारे यहाँ कर्मकार की जो योजना है इसका प्रचार प्रसार करना और वास्तविकता की कसौटी पर, निचले धरातल पर गरीब मजदूरों के परिवार तक हमारी योजना जाए। इस योजना के अंतर्गत हम जो अपंजीकृत मजदूर होते हैं इनकी डेथ हो जाती है, जिस बार खरगोन का भी केस आए थे तो इनको हम 4 लाख रुपये का भुगतान करते हैं, 3,000 अंत्येष्टि के रूप में देते हैं। जो पंजीकृत होते हैं उनको 2 लाख रुपये का भुगतान देते हैं, 6,000 का देते हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हम 5 लाख रुपये का भुगतान करते हैं। फिर ऐसे मजदूरों के हमारे मजदूर में एक मजदूर की कैटेगरी नहीं आती, 50 कैटेगरी आती है। इलेक्ट्रिशियन भी आता है, प्लम्बर भी आता है, पुलों का काम करने वाला आता है, जहाज़ का काम करने वाला आता है, टेलीफोन का काम करने वाला आते हैं। ये कन्फ्यूजन लोगों का दूर करा हमने कि 49 कैटेगरी आती है। फिर इसके अंदर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपये तक का इलाज तक का मुफ्त देते हैं। फिर शिक्षा जन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विद्यार्थी किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के अंदर, इसमें दूसरों को जात पात वाला चक्कर नहीं, वो किसी भी वर्ग का विद्यार्थी 49 कैटेगरी का हो जाता है, उसकी पढ़ाई का जो भी खर्चा लगता है, उस योजनाओं का जो भी खर्चा होता है 16 लाख 20 लाख 32 लाख उसका भुगतान हम करते हैं। फिर सवाल उठा कि विदेश में पढ़ने के लिए हमारे परिवार के बच्चे तो चले जाते हैं संपन्न परिवारों के, गरीब परिवार के जो मजदूरों के बच्चे होते हैं वो पढ़ने के लिए नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए भी हमने योजना लागू करी है कि विदेश पढ़ने के लिए हम उसको $40,000 का भुगतान हम उसको हमारे यहाँ से मुफ्त में देंगे प्रतिवर्ष के हिसाब से, जो कि आज की तारीख में लगभग 36 लाख रुपये के हिसाब से होता है। $10,000 उसको भरण पोषण के लिए देंगे प्रत्येक वर्ष के हिसाब से हम देंगे। और हमें उम्मीद है कि खरगोन से भी ऐसे बच्चे निकलेंगे जो विदेश में पढ़ने के लिए जाएं। फिर इसके बाद में खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हम 25,000-50,000 का भुगतान देते हैं, जिले में अलग, संभाग में अलग। फिर साइकिल अनुदान के रूप में देते हैं 4,000 का भुगतान, प्रसूति योजना में 16,000 का भुगतान करते हैं, सामूहिक विवाह के रूप में हम 55,000 रुपये का भुगतान देते हैं, और UPSC PSC के अंदर भी हम 15,000-50,000, और इसी के साथ साथ हम उनके अभी जो बोर्ड में प्रस्ताव पारित किया है इसमें उनका कोचिंग का भुगतान भी पूरा करते हैं। जिला श्रम विभाग के अधिकारियों से भी आज हमारी बैठक हुई है, उसमें हमने उनको सख्त चेतावनी दी कि श्रमिकों के जो बच्चे हैं इनके जो भी योजनाएं आती है, कोई मृत्यु हो जाती है, विवाह के प्रकरण होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के ढिलाई नहीं बरतते हुए इसमें पारदर्शिता लाते हुए इस कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। इसी तारीख में मैंने अभी 37 जिलों का दौरा कर चुका हूँ, आज 38वां जिला था जिसमें बैठक में SDM भी मौजूद थे, नगर पालिका के उपाध्यक्ष मौजूद थे, नगर पालिका के पदाधिकारी थे,
श्रम संगठन के पदाधिकारी थे, ऐसे कुल मिला के सभी इसमें पदाधिकारी मौजूद रहे। कुछ नगर पालिकाओं का उनके लिए भी नहीं थे, उसके लिए भी मैंने उनको कहा कि अगली बैठक में सभी CEO CMO मौजूद रहना चाहिए। अभी क्या स्थिति है जिले में? जिले की स्थिति को सुधारना रहेगा। अभी कुछ स्थिति में तो अच्छा है, उपकर के मामले में जिला अच्छा है, अच्छा आ रहा है। पंजीयन के मामले में पिछड़ा हुआ 14,000 पंजीयन है। मैंने उनको लक्ष्य दिया है कि आने वाले समय में इसका पंजीयन 22,000 होना चाहिए। ये पंजीयन की स्थिति होना चाहिए और इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलना चाहिए। क्या नाम लिखते सर आप? हेमंत तिवारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।